भगवान की भक्ति की बात करते हैं, यहां तो इंसान को, यहां तो मानव को इस बात से फुर्सत नहीं है, यहां तो इंसान को इस बात से फुर्सत नहीं है कि यह कैसे आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मैं कैसे आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे भी आगे बढ़ना है, इसको कैसे नीचे गिराया जाए। कोई अच्छे से रहने लग जाता है या कोई अपने जीवन शैली को अच्छे से जीने लग जाता है, अच्छे से खाने लग जाता है, अच्छा पहनने लग जाता है, तो बस इसको कैसे नीचे गिराना है, कैसे से नीचे गिराना है, बस केवल और केवल उसी में वो व्यस्त हो जाता है, अपना काम धंधा जाए भार चूल्हे में, बस इसको नीचे गिराना। इंसान इस बात को नहीं सोचता, इस बात को नहीं सोचता कि आदमी टूट जाता है, कि आदमी बस्तियों को जलाने में, लोगों को तो इस बात से ही फुर्सत नहीं है कि मैं इसका कैसे बुरा कर सकता हूं, मैं कैसे इसे डाउन कर सकता हूं, कैसे इसे गिरा सकता हूं, उस बात से ही फुर्सत नहीं है। वजन करने की बात करते हो, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी को देख करके जल रहे हो, अगर तुम किसी को देख करके उसे गिराने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, कभी भी जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ोगे, कभी भी जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ोगे, नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब हम किसी को गिराते हैं ना, जब हम किसी को डाउन करते हैं ना, जब हम किसी को झुकाते हैं ना, तो हम भी स्वयं झुकते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, हम भी स्वयं उसके साथ में डाउन होते हुए चले जाते हैं। दो लोग खड़े हैं और उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को झुका रहा है, नीचे की तरफ गिरा रहा है, झुका रहा है, तो देखो उसे, जब वो झुका रहा होता है ना, तो उसके साथ वह भी खुद झुक रहा होता है, वह भी उसके साथ में खुद गिर रहा होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अन्य व्यक्ति को नीचे से झुके हुए को, बैठे हुए को उठा रहा होता है, तो ध्यान से देखना, उठा रहा होता है, खड़ा कर रहा होता है, ऊंचा कर रहा होता है, तो वह भी उसके साथ में ऊंचा होता चला जाता है, वह भी उसके साथ में अप होता हुआ चला जाता है, वह भी उसके साथ में ऊपर आता रह जाता है। इसलिए कभी भी इस बात को मत सोचना कि मैं इसे कैसे गिराऊं, मैं इसकी कैसे टांग खींचूं, क्योंकि तुम किसी और की नहीं, तुम स्वयं की टांग खींचोगे, तुम स्वयं का अपना नुकसान करोगे, क्योंकि आज तो तुम जो तुम भोग रहे हो, याद रखो कि आज
जो तुम भोग रहे हो अपने पिछले किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हो, और अब जो तुम करोगे, अब जो तुम करोगे ना, किसी को नीचे गिराना, किसी के साथ में गलत करना, तो उसका भी फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा पड़ोसी थोड़ी भोग जाएगा। क्या पड़ोसी आके तुम्हारा वो फल भोग जाएगा? वो भी तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो एक तो तुम वैसे ही झुके हुए हो, एक तो तुम वैसे ही गिरे हुए हो, एक तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे हो जीवन में, और दूसरे को नुकसान पहुंचा के, दूसरे को गिरा करके तुम भी गिरते चले जाओगे, क्योंकि तुमको उन कर्मों का फल मिलेगा, और जब तुमको उन कर्मों का फल मिलेगा तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारा स्वयं का पतन होता चला जाएगा, तुम्हारा स्वयं का पतन हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को तुम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो, तो बुरा करने का मत सोचना, क्योंकि सोचोगे करोगे तो तुम्हारा स्वयं का बुरा होगा, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को देखकर, किसी अन्य को बढ़ता हुआ देखकर अपने अंदर इस बात को लाओ कि आखिर वह ऐसे कौन से कर्म करता है, आखिर वह ऐसे कौन से काम करता है जिससे वह आगे बढ़ रहा है। उससे ज्ञान लो, उससे कुछ सीखो, और सीख करके अपने जीवन में अपनाओ। और जब तुम अपने जीवन में उन अच्छी बातों को अपनाओगे ना, तो हकीकत यह कहती है, सत्य यह कहता है कि तुम उससे भी आगे जाओगे, तुम उससे भी आगे जाओगे, लेकिन गिरा के नहीं, उससे कुछ सीख के, उससे ज्ञान लेके, उसकी अच्छाइयों को अपना कर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में जब हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं, सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, सत्यता के मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, कष्ट बहुत आते हैं, हमको बहुत सारे कष्टों को झेल करके तब बड़ी मुश्किल से सफलताएं हासिल होती हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ठाकुर बनते, घिसके सालिंग्राम। ठोकर खाकर ठाकुर बनते, घिसके सालिग्राम। सालिग्राम जी जो है ना, जिनकी हम सभी अपने घरों में पूजा करते हैं, सालिग्राम जी गंडकी नदी में आते हैं, लेकिन ऊपर जब वो पहाड़ से आते हैं ना, तो उस समय उनका आकार ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खुरदुरा एकदम खराब होता है, एकदम बेकार होता है, लेकिन वो ऊपर से गिरते हैं और पहाड़ों से गिरते हुए गंडकी नदी में गिरते हुए, और उस धार के साथ में, गंडकी नदी की धार के साथ में, उसके वेग के साथ में, उसके रफ्तार के साथ में आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, तो गोल 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 घूमते 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 चलते हैं ना, तो उनके जो भी खुरदरापन है, जो भी टेढ़ा मेढ़ापन है, सब साफ हो जाता है, और उनके एकदम एकदम ऐसे हो जाते हैं, एकदम चिकने ऐसे हो जाते हैं जैसे रसगुल्ला। घिसके सालिग्राम, सोने को जब आग में तपाया जाता है तभी उसके अंदर निखार आता है। किसी भी धातु को अगर रूप देना होता है तो उसको पहले हथौड़ों की चोट खानी पड़ती है, चोट खाकर धातु को आकार मिलता है, तभी तो हम उसे अपने कानों में ग्रहण करते हैं, अपने गले में ग्रहण करते हैं, स्त्रियां नाक में ग्रहण करती हैं, आदि आदि, तभी तो। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें
एक बात समझनी है, ईश्वर को, भगवान को, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए, उनका नाम संकीर्तन करते हुए, और सबके साथ में अच्छा ही करना है, सबके साथ में भलाई करना है, कभी भी किसी से न गलत बोलना है, न कभी भी किसी के साथ गलत करना है। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाता है तो आप समझ लो कि सफल व्यक्ति हो, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे।